माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संचूतित या प्रकट नहीं करूंगा। और साथ ही साथ उनका सियासी करियर भी हम आपको बता रहे हैं। 5 बार के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, तब सांसदी से इस्तीफा दिया और एमएलसी बने। उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2022 में, देखिए बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, 2022 में गोरखपुर सदर से चुनाव लड़े योगी आदित्यनाथ और प्रचंड जीत हासिल की। राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। तो 2 डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के, 1 नए डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, 2014 में फूलपुर से चुनाव जीता, सांसद बने, लेकिन 2017 में
डेप्यूटी सीएम बनाए गए उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य। एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही बनाया गया है। देखिए, सिराथू में जन्म हुआ और लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे केशव प्रसाद मौर्य गोरक्षा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री डेप्यूटी सीएम पद की शपथ उन्होंने लिए। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से। अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का आग्रह करें। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, इस बार डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। ब्राह्मण चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश में राज्यपाल नेता हैं ब्रजेश पाठक। माननीय मुख्यमंत्री शपथ लिए डेप्यूटी सीएम की। निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं वेद द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकेतित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्वता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भाग्य भय पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर, श्री दया शंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दया शंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सफलता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य के मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सभ्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य दिनेश की शपथ लेता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंक शेखर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलक, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि,
श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलक जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ग्रहण कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने, इसके साथ ही तमाम मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि कुल 50 मंत्री जो हैं इस बार योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कान्हा स्टेडियम से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद हैं। तो समारोह में कई दिग्गज मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबको शपथ दिलवा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया है और जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 50 मंत्रियों ने योगी कैबिनेट में शपथ लिया। अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उनकी मंत्री के रूप में तबों का संविधान के लिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित टिकट रद्द नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय श्री सतीश शर्मा जी, माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी और माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप चारों से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत माता की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। आपको बता दें कि एक एक कर तमाम मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। फिलहाल अभी जो राज्य मंत्री बनेंगे वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें आपको बता दें कि कई नाम शुमार हैं। फिलहाल लगातार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो मंत्री पद जिनको मिलने वाला है उन्हें शपथ दिलवा रही हैं। सबसे पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का इंतजार था, उन्होंने शपथ ग्रहण किया, एक ऐतिहासिक तस्वीर निकल कर सामने आई और इसके बाद अब धीरे धीरे कर जो तमाम मंत्री बनने वाले हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर से अब योगी राज जो है वो शुरू हो चुका है। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो एक एक कर ये सभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। समारोह में कई दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं।
तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए देखिए यहाँ पर अभी जो है शपथ ग्रहण तमाम चेहरे हैं आगे आ रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो हैं वो शपथ ग्रहण करवा रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ गई है। हजारों लोगों की मौजूदगी में लखनऊ के एकाना स्टेडियम जो कि अब अटल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और इसके साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। अधिनायक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। देखिए मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और इसी तरह से तमाम होर्डिंग लखनऊ में लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें इन लाइनों का जिक्र किया गया है। फिलहाल तस्वीरें मंच की आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के जो है इस वक्त मंच पर मौजूद है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को शपथ दिलाई, इसके साथ ही अन्य जो मंत्री हैं जो कैबिनेट विस्तार होना है उन मंत्रियों को शपथ दिलाई। तो राष्ट्रगान के साथ एक बार जिस तरह से कार्यक्रम का आगाज हुआ था उसी तरह से राष्ट्रगान के साथ ही समापन कार्यक्रम का किया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य जिनके नामों को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी, हालांकि अब केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और ब्रजेश पाठक जो कि दिनेश शर्मा की जगह जो उनका रिप्लेसमेंट हुआ है उसकी जगह पे ब्रजेश पाठक नया चेहरा इनको जगह दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की और इसके साथ ही अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए मंच पर उपस्थित रहे, हालांकि जब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री देखे, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, तमाम ये केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये तमाम दिग्गज जो हैं मंच पर मौजूद दिखाई दिए। तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मंच की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे उसके बाद ये समारोह का आगाज हुआ और अब कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब पीएम मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एकाना स्टेडियम को भव्य तरीके से सजाया गया। बड़ी खबर योगी आदित्य